प्रिय शिक्षणार्थियों, NIS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रविकांत, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विद्यापीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। आज विभिन्न संसाधन की पहचान एवं प्रयोग पर आप सभी के समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। आइए चर्चा शुरू करें। संसाधनों का अर्थ, विज्ञान शिक्षण के लिए विभिन्न शिक्षण संसाधनों की आवश्यकता रहती है। इन संसाधनों को अधिगम संसाधन या शिक्षण अधिगम संसाधन भी कहा जाता है। संसाधनों की परिभाषा, कोई भी वस्तु या पदार्थ जब उसकी उपयोगिता के कारण शिक्षण में प्रयोग किया जाता है तब वह शिक्षण अधिगम संसाधन बन जाता है। जिमरमैन ने इस संबंध में कहा है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। जैसे समाज के द्वारा बनाई गई कोई भी संस्था या व्यवस्था या कोई प्राकृतिक घटना संसाधन बन सकती है जब उससे किसी शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो। इसका सामान्य अर्थ यह है, सामान्य प्रयोग की कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग करके हम अपने शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं वो हमारे लिए संसाधन बन जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, जनरली सामान्यतः वो आप दूसरे लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका प्रयोग आप अपने कक्षा में किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो मोबाइल आपके लिए शिक्षण संसाधन बन जाता है। संसाधनों का महत्व, प्रसिद्ध चीनी कहावत है, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, मैंने किया मैं समझ गया। इस कहावत के आधार पर कुछ व्यवहारिक जो हमारे पास निष्कर्ष निकले हैं उसमें ये कुछ रिसर्च भी रही हैं जिन्होंने ये बताया है कि इंद्रियों के आधार पर अधिगम का प्रतिशत कितना होता है। 10% स्थायी रहता है जो हम पढ़ते हैं, 20% स्थायी रहता है जो हम सुनते हैं, 30% स्थायी रहता है जो हम देखते हैं, 50% स्थायी रहता है जो हम सुनने के साथ देखते हैं या फिर करते हैं। इस तरह से शरणार्थियों आप देख सकते हैं कि हमारा जो अधिगम स्तर है हमारे इंद्रियों के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जितनी अधिक इंद्रियों का प्रयोग हम करते चले जाएंगे उतना हमारा जो अधिगम है वो स्थायी होता चला जाएगा। जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ देख रहे हैं इसलिए हम उसको भूल जाते हैं, देखे हुए को हम भूल जा रहे हैं। जो हम सुन रहे हैं चूँकि हम उसको सुन रहे हैं और वो उसको आत्मसात कर रहे हैं, मस्तिष्क उसको विश्लेषित कर रहा है, इसलिए वो 20% हमारे दिमाग में स्थायी रहता है। हम जो देख रहे होते हैं चूँकि हम उसको वहाँ वास्तविक रूप में देख रहे होते हैं इसलिए हमारा मस्तिष्क उसको विश्लेषण करके 30% उसको स्थायी कर देता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ हम सुन भी रहे हैं साथ ही साथ हम देख भी रहे हैं या फिर हम उसको कर रहे हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में 50% वो विषय वस्तु 50% स्थायी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम 50% वाले बिंदु पर हमारी ज़्यादा शिक्षण जो शिक्षणेंद्रियाँ हैं यानी कि जो इंद्रियाँ हैं हमारी हम उनका प्रयोग कर पा रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं संसाधनों का महत्व क्या है। सबसे पहला जो महत्व है इनका, संसाधन शिक्षण को रुचिकर बनाते हैं, यानी कि अभी जो पारंपरिक रूप से हम लोग सिर्फ व्याख्यान विधि कह रहे थे, व्याख्यान के माध्यम से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब अगर हमने उसमें संसाधन का प्रयोग किया है, हमने किसी शिक्षण संसाधन का प्रयोग किया है तो अब हम सिर्फ बोल नहीं रहे, हम सिर्फ शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम किसी वस्तु का भी प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये स्वतः ही रुचिकर बन जाएगा। दूसरा महत्व है, संसाधन ज्ञान को स्थायी करते हैं, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि अभी शिक्षक कक्षा में सिर्फ बोल रहा था, यानी कि जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनकी सिर्फ एक सुनने वाली इंद्री ही काम कर रही थी, अब हमने उनको कुछ दिखाना शुरू किया या हमने उसको कुछ कराना शुरू किया उन शिक्षार्थियों को, तो उनके उनकी आँखों को, उनकी त्वचा को, यानी कि उनकी 2 से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग हम कर रहे हैं, इसलिए वो ज्ञान जो है उनका स्थायी होने लगता है, क्योंकि इंद्रियों का प्रयोग क्या हो रहा है हमारा अधिक हो रहा है, क्योंकि इंद्रियों को ये कहा जाता है कि ये शिक्षा के द्वार हैं, ये 5 इंद्रियाँ जो हैं हमारी शिक्षा के द्वार हैं, हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं अपने पूरे जीवन में वो इन इंद्रियों के माध्यम से ही करते हैं, इसलिए इन इंद्रियों को जितना ज़्यादा अधिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे उतना हमारा शिक्षण स्थायी होगा। अगला महत्व है, शिक्षार्थी अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अभी हम जो दिखा रहे हैं उनको कक्षा में वो अप्रत्यक्ष है, एक तरीके से हम उसका मॉडल या कुछ दिखा रहे हैं, हम उसके बारे में उनकी एक सामान्य अवधारणा का निर्माण करते हैं, और जब जब कभी हमको समय मिलता है, हमारे पास संसाधन है, हम उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं, यानी कि ये जो संसाधन है, ये जो एक शिक्षण सूत्र है अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, उसका पालन कर रहा है, यानी कि हम अप्रत्यक्ष वस्तु से, अप्रत्यक्ष कल्पना से हम प्रत्यक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अगला महत्व है, शिक्षार्थी बहुइंद्रिय एवं वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षार्थी को, क्योंकि जितनी अधिक इंद्रियों का प्रयोग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उन्हीं को हम शिक्षा का द्वार मानते हैं, तो जितना अधिक हम शिक्षण इंद्रियों को हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने ज्ञान को स्थायी करते हैं। वास्तविक अनुभव वे अनुभव हैं जिसको हमारा शिक्षार्थी, हमारा छात्र या हमारे बच्चे खुद करके उसको अनुभव करते हैं, वो वास्तविक अनुभव हैं, और ये वास्तविक अनुभव ही सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश इंद्रियों का प्रयोग शिक्षार्थियों द्वारा किया जाता है, इसलिए ये ज्ञान जो है हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। शिक्षण अधिगम से शिक्षार्थियों की सहभागिता बढ़ती है,
शिक्षण अधिगम में अभी हमने कोई चीज़ दिखाई, हम पारंपरिक जो हमारी शिक्षण विद्या थी उसमें हम कुछ दिखा नहीं रहे थे उसको, लेकिन जैसे ही हम कोई कक्षा में कोई वस्तु लेकर जाते हैं, कोई प्रतिमान लेकर जाते हैं, कोई चार्ट लेकर जाते हैं या मॉडल लेकर जाते हैं या कुछ और भी लेकर जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो शिक्षार्थी हैं उनकी रुचि बढ़ जाती है। आज क्या दिखाया जाएगा, क्या हम लोगों को बताया जाएगा, इस तरीके से उनकी रुचि बढ़ जाती है। शिक्षार्थियों की अवलोकन क्षमता और विश्लेषण क्षमता का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी उसको देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, इसलिए उनकी अवलोकन क्षमता भी यहाँ पर बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है उसमें, और साथ ही साथ वो उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे हम तोड़कर अलग करते हैं और उसको फिर बाद में जोड़ते हैं, यानी कि ये क्षमता भी उनकी विकसित हो रही है। इसका अगला महत्व है संसाधनों की सहायता से बहुत कम समय में अधिक ज्ञान दिया जा सकता है, यानी कि बजाय इसके कि हम बहुत लंबा व्याख्यान दें, इससे बेहतर है कि हम बहुत ही कम समय में उनको वो चीज़ दिखा दें जिससे कि बहुत कम समय में वो स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकें, इसलिए बहुत समय की जो है इसमें बचत हो जाती है। अब शिक्षार्थियों हम देखेंगे शैक्षिक संसाधनों का प्रकार कितने होते हैं, इसको मुख्यतः दो स्तरों पर हमने विभाजित किया है। इसमें पहला है विद्यालय स्तर पर संसाधन और दूसरा है स्थानीय स्तर पर संसाधन। विद्यालय स्तर पर संसाधन जो हैं वो हमारे पास चार मुख्य रूप से उपलब्ध होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पुस्तकालय, दूसरा है प्रयोगशाला, तीसरा बगीचा और चौथा है खेल का मैदान। पहले चर्चा करेंगे हम पुस्तकालय। जैसा कि आप लोग नाम से ही जान रहे हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी पुस्तकों का घर। पुस्तकालय किसी भी विद्यालय का हृदय माना जाता है। अगर आपको देखना है कि पुस्तकालय हमारा विद्यालय कितना शिक्षण अधिगम के प्रति गंभीर है, हम देखेंगे उसके पुस्तकालय में जाकर कितनी विभिन्न प्रकार की हमारे पास पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसमें सबसे पहला जो संसाधन हमारे पास विद्यालय स्तर पर होगा वो होगा पुस्तकालय। अब पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से होने चाहिए, इसमें सबसे पहला है विभिन्न प्रकार की पुस्तकें। पुस्तकालय है तो उसमें बहुत सारी पुस्तकें होंगी, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें होंगी। दूसरा, इसमें दृश्य सामग्री, यानी कि इसमें चित्र, फोटो, ग्राफ, नक्शे, ग्लोब आदि भी होने चाहिए, दृश्य सामग्री जिसको हम देख सकते हैं। अगला है इसमें श्रव्य सामग्री, CD, कैसेट, रिकॉर्डेड टेप, यानी कि ये वो सामग्री है जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। अगला जो इसमें संसाधन होंगे वो दृश्य और श्रव्य सामग्री होने चाहिए, जिसमें वीडियो, CD या फिर फिल्म होती हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और साथ ही साथ सुन भी सकते हैं। और अन्य संसाधनों में अगर हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं या जो आधुनिक पुस्तकालय हैं आप उसमें ये देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से हम पूरे पुस्तकालय की समस्त जानकारी को अपने बहुत ही कम समय पर एक कंप्यूटर पर बैठकर जानकारी हासिल कर सकते हैं और उन किताबों को, पुस्तकों को या उस पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो विद्यालय स्तर पर संसाधन है वो है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला जैसे कि ऐसी शाला, ऐसा स्थान जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग हमारे सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिकता में सिद्ध करने का स्थान उपलब्ध कराता है, तो प्रयोगशाला भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रयोगशाला में अब हमारे पास क्या क्या संसाधन होने चाहिए, इसमें सबसे पहला है विभिन्न प्रकार के उपकरण, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन आदि, यानी कि ये वो उपकरण है जो सामान्यतः विज्ञान में हम यूज़ करते हैं, सूक्ष्मदर्शी है, दूरबीन है, ये हमारे पास होने चाहिए वहाँ पर। विभिन्न प्रकार के मॉडल या प्रतिमान, विज्ञान शिक्षण से संबंधित हमारे पास प्रकाश संश्लेषण या हमारे पास वायु की गति या इस तरीके के और भी जो मॉडल या प्रतिमान हैं वो उपलब्ध होने चाहिए जिससे कि उनका विज्ञान शिक्षण में प्रयोग किया जा सके। विभिन्न प्रकार के रसायन, यानी कि यहाँ पर हम रसायन से संबंधित, रासायनिक विज्ञान से संबंधित अगर हमको प्रयोग कराने हैं, किसी तरह का हमें प्रयोग प्रदर्शन करना है वहाँ पर, तो हमारे पास रसायन भी उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र, शिक्षार्थियों चित्र से यहाँ आशय मेरा कि वो वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ जिसको हम चित्रों के माध्यम से दिखा सकते हैं या जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, हम उनके चित्रों का प्रयोग इस प्रयोगशाला में करें जिससे कहीं ना कहीं छात्र हमारे उनको देखते हैं और उनसे एक प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं कि हम भी इस तरह से काम करें, हम विज्ञान के प्रति सम्मान प्रकट करें, विज्ञान में उनकी स्वाभाविक रुचि को उत्पन्न किया जा सके। तीसरा जो विद्यालय स्तर पर उपस्थित संसाधन है हमारा शिक्षार्थी, वो है बगीचा। इसको इंग्लिश में कभी कभी बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं हम लोग। यहाँ बगीचा है जिसमें जो होंगे वो किस तरह क्या क्या चीज़ें होंगी, विभिन्न प्रकार के पेड़ होंगे, विभिन्न प्रकार के पौधे होंगे, विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ होंगी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होंगे। ये विज्ञान शिक्षण के लिए ये भी एक आवश्यक है क्योंकि ये प्राकृतिक अवस्थाओं में हम पेड़ पौधों को, झाड़ियों को और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं, तो शिक्षार्थियों में जो है विज्ञान के प्रति रुचि तो उत्पन्न हो ही रही है, साथ ही साथ प्रकृति के लिए सम्मान भी उत्पन्न हो रहा है। तो अगर हम इस संसाधन का प्रयोग करते हैं तो हम ना सिर्फ विज्ञान शिक्षण के जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति कर पा रहे हैं, बल्कि छात्रों के मन मस्तिष्क में हम प्रकृति के प्रति सम्मान को भी उत्पन्न कर पा रहे हैं। और जहाँ हम इन चीज़ों को जोड़ देते हैं तब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण छात्रों में हमेशा हमेशा के लिए, सदैव के लिए स्थापित कर देते हैं। अगला जो हमारा विद्यालय स्तर पर जो उपलब्ध होगा संसाधन वो है खेल का मैदान। खेल के मैदान में हमारे पास बहुत सारे जो खेल से संबंधित उपकरण हैं वो हो सकते हैं, बहुत सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को हम खेल के माध्यम से या खेल के उपकरणों के माध्यम से
हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गति को अगर हमको बताना है तो हमारे पास अगर गेंद उपलब्ध है तो हम खेल के मैदान में जाकर उसकी विभिन्न प्रकार की गतियों को दिखा सकते हैं। हम घर्षण को जो है दिखा सकते हैं, हमारे पास झूले विभिन्न प्रकार के हैं तो गतियों को दिखा सकते हैं हम। तो इस प्रकार से खेल का मैदान जो है वो भी हमारे लिए एक संसाधन के रूप में, विज्ञान शिक्षण के एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे स्थानीय स्तर पर संसाधनों की, जो कि कुछ इस तरह से हैं: तारामंडल, वनस्पति संग्रह, जीवशाला, जलशाला, विज्ञान केंद्र, चिड़ियाघर। जो संसाधन हैं हमारे पास, इसमें जो हमारे पास तारामंडल है, तारामंडल का मतलब है ये एक वो स्थान होता है कि जहाँ पर हम दिन में ही सौर मंडल को देख सकते हैं। मतलब ऐसे उपकरण हमारे पास उपलब्ध होते हैं कि हम वहाँ पर छात्रों को ले जाकर आसानी से जो हमारे उपग्रह हैं, ग्रह हैं, गतियाँ, इस तरह का ज्ञान हम दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास उपलब्ध है तारामंडल हमारे आसपास, तो हम उसको संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वनस्पति संग्रह, यानी कि ये वो संग्रह है कि जहाँ पर वनस्पति से संबंधित सारी चीज़ों को हम, जो पुरातात्विक हमारे पास पुराने, बहुत पुराने जो संग्रह हैं वो से लेकर हमारे पास आधुनिक संग्रह हैं, अगर वो उपलब्ध है हमारे पास तो हम वहाँ भी जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से हमारे छात्रों का परिचय करा सकते हैं। जीवशाला, जीवशाला का मतलब है कि ये वो ऐसी शाला है जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव रखे जाते हैं, छोटे मोटे जीव रखे जाते हैं, और वहाँ पर जाकर हम जो उनके जीव की जो प्राकृतिक जो उनकी उपस्थिति है, जो उनका एक जीवन चक्र है, हम इसको वहाँ पर बच्चों को ले जाकर हम विज्ञान शिक्षण की जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझा सकते हैं। विज्ञान में हमारे पास बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ हम जीव जंतुओं की पूरे जीवन चक्र को देखते हैं, तो जीवशाला में हम वहाँ देख सकते हैं। जलशाला, ये जलशाला जल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए विशेष रूप से बनाई जाती है, और ये बहुत एक छोटे से कांच के डिब्बे से लेकर एक बहुत बड़े जलशाला के रूप में भी हो सकती है। तो जल में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, अगर उनका सहसंबंध, आपस में सहसंबंध, उनका जीवन चक्र अगर हमको बताना है तो हम उनको वहाँ ले जा सकते हैं। अगर ये हमारे पास स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है तो इस जलशाला का प्रयोग भी हम एक विज्ञान संसाधन के रूप में कर सकते हैं। विज्ञान केंद्र, साथियों लगभग हर जगह, हर ज़िले में, हर जनपद में एक विज्ञान केंद्र उपलब्ध होता है। विज्ञान केंद्र वहाँ के मौसम से संबंधित आने वाली भविष्यवाणियाँ करता है, विज्ञान से संबंधित जो उपकरण हैं वो उनके पास उपलब्ध होते हैं, कृषि से संबंधित उपकरण उनके पास उपलब्ध होते हैं। तो विज्ञान केंद्र को भी हम एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हम वहाँ अपने छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ले जाकर उन सारी चीज़ों को अनुभव करा सकते हैं कि किस तरह से विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सहायता कर रहा है। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रखे जाते हैं, वहाँ पक्षी भी होते हैं, वहाँ स्थल पर रहने वाले जीव जंतु भी होते हैं, कहीं कहीं वहाँ पर हमारे जल में रहने वाले जीव जंतु भी होते हैं। मतलब चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर हमें ये तीनों प्रकार के जीव जंतु मिल सकते हैं। तो चिड़ियाघर एक मनोरंजन के साथ साथ सामान्य परिस्थितियों में वो एक मनोरंजन का केंद्र है, लेकिन जब हम किसी उद्देश्य के साथ, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के साथ, हमको विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के रहन सहन को दिखाना है, हम जब इस उद्देश्य के साथ चिड़ियाघर में जाते हैं तो चिड़ियाघर भी हमारे विज्ञान के लिए एक संसाधन का कार्य करता है। तो इस तरह से ये सारे संसाधन जो हैं स्थानीय स्तर पर अगर उपलब्ध हैं तो हम इनको अपने विज्ञान शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। साथियों अगला जो वर्गीकरण है वो विद्युत के आधार पर है, जिसमें जो संसाधनों का वर्गीकरण किया है उसमें पहले हैं गैर विद्युत संसाधन, यानी कि वो विद्युत संसाधन जिसमें विद्युत का प्रयोग, बिजली का प्रयोग नहीं होता है। दूसरे प्रकार के विद्युत संसाधन जिसमें विद्युत यानी कि बिजली का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे गैर विद्युत साधन में जिसमें बिजली का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें जो संसाधन है वो इस तरह से हैं, सबसे पहले पुस्तकें हैं, इसके बाद पत्रिका, बोर्ड, फ्लैनर बोर्ड हो या चुंबकीय बोर्ड हो, ग्राफ, मानचित्र, एटलस, चित्र हो सकते हैं इसमें, नमूने और प्रतिमान हो सकते हैं। यानी कि साथियों ये सारे के सारे जो संसाधन हैं ये गैर विद्युत संसाधन हैं, इसमें किसी भी प्रकार से विद्युत का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये जो बोर्ड यहाँ पर फ्लैनर बोर्ड हैं इसमें भी किसी भी प्रकार से विद्युत का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चित्रों में कोई प्रयोग नहीं है, यानी कि हम किसी भी रूप में विद्युत का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर रहे होते। अब ये हमारे विद्युत साधन हैं, अब इसमें हमें विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, हम विद्युत का प्रयोग करते हैं। इसमें जो पहले संसाधन है वो है श्रव्य संसाधन। श्रव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको सुना जाता है, जिनको सिर्फ सुना जाता है, जिसमें है रेडियो, कैसेट, सीडी आदि। दूसरे प्रकार के जो दृश्य संसाधन है हमारे पास वो है स्लाइड प्रोजेक्टर, शिरोपरि प्रक्षेपक और वीडियो प्रोजेक्टर। यानी कि दृश्य संसाधन वो संसाधन है जिनको हम देख सकते हैं। अगली जो श्रेणी है वो है दृश्य श्रव्य संसाधन, यानी कि ये वो संसाधन है जिसको देखा भी जा सकता है और साथ ही साथ सुना भी जा सकता है, जिसमें टेलीविज़न और फिल्में शामिल हैं। इसके बाद जो हमारी जो चौथी और जो अंतिम श्रेणी है वो है ICT उपकरण, जिसमें कंप्यूटर और मोबाइल और अन्य उपकरण शामिल हैं। यानी कि ये सारे वो संसाधन हैं शिक्षार्थियों जिसमें विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं हम वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। अंत में जो ICT उपकरण है इसमें कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि हम अद्यतन जानकारी, विज्ञान के क्षेत्र में जो अद्यतन क्रांति हो रही हैं, जो चीज़ें बदल रही हैं, नए नए
प्रयोग हो रहे हैं उनको हम इनके माध्यम से दिखा सकें उनको। अब सबसे बड़ी बात यह कि संसाधन का चुनाव जो शिक्षक करेगा वो किन मापदंडों के आधार पर करेगा, तो वो मापदंड कुछ इस तरह से हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि जिस संसाधन का प्रयोग हम कर रहे हैं वो क्या हमारे शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक है, क्या वो शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप है, क्या वो बच्चों की मानसिक क्षमताओं के अनुरूप है, क्या वो उपलब्ध है भी या नहीं है। तो हमें कुछ संसाधनों के मापदंड पहले से देखने होते हैं उनको चुनने से पूर्व। जो मानदंड इस तरह से हैं, जिसमें सबसे पहला है स्पष्टता, यानी कि जिस संसाधन का प्रयोग हम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो, उसमें किसी भी तरह की भ्रांति ना हो, उसमें किसी तरह की शंका ना हो, उसको देखते ही ये पता चल जाए कि ये विज्ञान का उपकरण है, हम कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वो विज्ञान से संबंधित हो। इसलिए सबसे पहला जो चीज़ है वो है स्पष्टता, देखते ही पता चल जाए कि ये विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला संसाधन है। दूसरा है सरलता। सरलता का आशय यहाँ से शिक्षार्थियों ऐसा है, चूँकि बच्चों जिन बच्चों को हम लेके जा रहे हैं एक शिक्षण सूत्र है जिसमें हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं, जो हमारी स्वाभाविक गति है सीखने की वो हमेशा सरल से कठिन की ओर होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जिन संसाधनों का चुनाव हम कर रहे हैं वो सरल होने चाहिए, वो बच्चों की मानसिक स्तर के अनुरूप होने चाहिए। अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसा संसाधन चुन भी लिया जो बहुत ज़्यादा कठिन हुआ तो बच्चों की अरुचि उत्पन्न हो जाती है उसमें। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो संसाधन बहुत ही सरल हो। अगला जो मापदंड है वो है प्रासंगिकता, यानी कि जो विषय वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो शिक्षण उद्देश्य हमने निर्धारित किया है, क्या वो प्रासंगिक है भी या नहीं है। अगर मैं किसी आकाश से संबंधित कोई बात करना चाह रहा हूँ या मैं किसी प्रयोग से संबंधित बात करना चाह रहा हूँ, तो क्या जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो उसको प्रासंगिकता में है भी या नहीं है। उसको हम ऐसा ना हो कि हम शिक्षण उद्देश्य कुछ और हमने निर्धारित किया है और जो हम दिखाने जा रहे हैं उसको जो परिणाम है उसका दिखाने का वो कुछ और हो। अगर ऐसा होगा तो शिक्षण अधिगम वहाँ स्थान नहीं ले पाएगा, वो बाधित हो जाएगा। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो जो दिखाया जाने वाला संसाधन है वो हमारे शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप हो, उसके प्रासंगिकता को सिद्ध करता हो। अगला विशिष्टता है, ये भी साथियों उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षण संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो विशिष्ट हो, उसकी अपनी विशिष्टता, वो उस विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो। अगर हमको बात करनी है किसी प्रयोग के बारे में, विज्ञान से संबंधित हमको प्रयोग करना है, मान लीजिएगा कि हमको किसी जीव जंतु के विकास क्रम को दिखाना है, उसकी जीवन क्रम को दिखाना है, तो उसकी विशेषता ये हो कि उस संसाधन में उसी का वर्णन हो, उसमें अन्य किसी जीव जंतु का वर्णन ना हो। इसलिए विशेषता जो है वो भी एक आवश्यक मानदंड है हमारे संसाधनों के चुनाव का। अगला है दर्शनीयता। दर्शनीयता का मतलब देखना, देख सकने की क्षमता। तो शिक्षार्थियों ये ध्यान रखा जाए कि जो संसाधन हम चुन रहे हैं, जिस संसाधन का चुनाव हमने किया है, वो जो हम क्लास में दिखा रहे हैं, जो हम कक्षा में दिखा रहे हैं, वो दर्शनीय होना चाहिए। वो इतना छोटा ना हो कि पीछे की साइड बैठने वाले, पीछे की तरफ बैठने वाले जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनको दिखाई ना दे। वो इतना बड़ा भी ना हो कि वो कक्षा में आ ही ना सके। वो इतना सूक्ष्म ना हो कि किसी को भी दिखाई ना दे सके। इसलिए और दर्शनीयता के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप उसका चुनाव इस तरह से करें कि वो सारे के सारे शिक्षार्थियों को सरलता से दिखाई दे। अगला जो हमारा मापदंड है व्यावहारिकता, यानी कि वो संसाधन जो हो वो व्यवहारिक हो, वो कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा विशिष्ट हो जाए कि वो व्यवहारिकता में आ ही नहीं रहा है। यहाँ इसका एक और अर्थ ये निकाला जा सकता है कि जो वस्तुएं जिन संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं हम, या जो वस्तुएं हम उसमें दिखाने जा रहे हैं, उन वस्तुओं को उसी तरह दिखाया जाए, उसी रूप में दिखाया जाए जिस रूप में वो प्रकृति में उपलब्ध है। यानी कि अगर हम किसी चार्ट में, मान लीजिए हम किसी चार्ट में दो जीव जंतुओं का चित्र बनाकर ला रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना होगा, ये व्यवहारिकता का ध्यान रखना होगा कि उन दोनों चित्रों के बीच में जो अनुपात होगा वो वास्तविक अनुपात के अनुपात में ही हो। यानी कि अगर एक जीव जंतु बड़ा है तो उसको चार्ट में बड़ा करके दिखाना होगा, अगर दूसरा जंतु हमारा उससे छोटा है तो हमें उसको छोटा करके दिखाना होगा। ऐसा ना हो कि वो दोनों बराबर हो जाएं। अगर बराबर हो जाते हैं तो हम उसकी सामान्यता को खो देते हैं, उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है उसको खो देते हैं, तो वो व्यवहारिक नहीं रह जाता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो भी संसाधन प्रयोग करें वो एकदम व्यवहारिक होना चाहिए। तो इस तरह से छात्रों हमने देखा कि हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं और इन संसाधनों का प्रयोग करते समय जो मापदंड हैं हमको उनका चुनाव करना है। आप उस तरह से चुनाव करें कि जो हमारे पास स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों, अगर हमारे पास कोई दूसरे इस विशेष प्रकार के संसाधन उपलब्ध हों तो हम उनका भी प्रयोग कर सकें, और ये सारे के सारे संसाधन विज्ञान शिक्षण को प्रभावी करने के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हमारे छात्रों का ज्ञान स्थायी हो, संसाधनों का जो मुख्य कार्य है, जो मुख्य उद्देश्य है उनको प्रयोग करने का, वो यही रहता है कि हम विज्ञान शिक्षण का जो हमारा ज्ञान है उसको स्थायी कर सकें वहाँ पर। बस ध्यान ये रखें कि जो मापदंड हैं उनके अनुरूप उनका चयन हो। और इस तरह ये आज की मेरी चर्चा पूरी हुई, और मैं आशा करता हूँ कि इस चर्चा से आपको कुछ सकारात्मक सहयोग मिलेगा
और अगले किसी नए बिंदु के साथ पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।